जिले में ठंड जमकर कहर ढा रही है। ठंडी हवाओं और छाए बादलों ने घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। बीते दो दिनों से सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो सके। धूप न होने व पारा गिरने के चलते गलन सा एहसास हो रहा है। सुबह से लेकर रात तक लोग ठंड से ठिठुरते रहे। दिन भर लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी इसी तरह पूरे सप्ताह ठंड सताएगी। हाड़ हिला देने वाली कड़ाके की ठंड से जीना मुहाल हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बढ़ती ठंड से इंसान तो दूर जानवरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। स्थिति यह है कि घर से निकलना मुश्किल है। बढ़ती ठंड से ज्यादा मुश्किल स्कूली बच्चों और बूढ़े लोगों को है। उन लोगों के लिए ही बढ़ती ठंड से ज्यादा मुश्किल स्कूली बच्चे और बूढ़े लोगों को है। उन लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही है जिन्हें हर दिन मजदूरी के लिए दिन भर बाहर रहना पड़ता है। इधर बढ़ती ठंड से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। मुख्य रूप से सर्दी खांसी ज्यादा बढ़ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए कई संगठनों ने गरीबों के बीच कंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। चिकित्सकों के मुताबिक इस ठंड से बचने की जरूरत है। यदि लापरवाही की गई तो कई बीमारियां हो सकती है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। निश्चित ही काफी दिनों से क्षेत्र में ठंड का इंतजार था और लोग विचार कर ही रहे थे कि ठंड काफ़ी देर हो गई, इस बार अभी नहीं आई, लेकिन अभी इन दिनों में शीत लहर का जो प्रकोप चालू हुआ है, लोग बिल्कुल थरथरा गए हैं और जिसे देखो वह परेशान है, अलाव जला के ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रातःकाल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके स्थिति देख लो तो बड़ी दया आती है कि कैसे जाएंगे स्कूल, और टीचर लोग भी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और अभी दो दिनों से ऐसा हो रहा है कि कभी बादल हटते हैं और कभी बादल वापस आ जाते हैं, तो इस दौरान अचानक ठंडी हवाएं सामने आ जाती है, ठंडी हवाएं लगने लगती है, महसूस होती है और लोग काफ़ी परेशान हैं इन दिनों। फिर भी आनंद उठा रहे हैं ऐसी ठंड, करीब वैसे तो 48 डिग्री की गर्मी गिरती है हमारे क्षेत्र में, लेकिन जब ऐसी ठंड आती है तो इसका भी बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं पूरे क्षेत्रवासी। क्या नाम है? संजय पाराकर। मेरे हिसाब से सीजन की पहली ये ठंड है, मतलब शीत लहर टाइप चल रही है और ऊपर से बदल टाइप भी हो रहे हैं। तो शीत लहर के कारण क्या हो रहा है, अधिकतर लोग गर्म चीजों का ही सहारा ले रहे हैं, स्वेटर वगैरह है और तापनी जलाई जा रही है जगह जगह, जैसे आप देख ही रहे हो खरगोन शहर के अंदर। और इससे हमारे धंधे भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि लोग बाग जो है वो जरूरत का जो सामान लेता है उसी के हिसाब से बाहर आ रहे हैं लेने के लिए, अन्यथा अपने घर के अंदर ही सब कैद हो गए हैं। बस यही है कि गर्म कपड़े पहन रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।